गुरुदेव कहा करते थे, ना कोई जात, ना कोई वर्ग, ना कोई संप्रदाय किसी भी भेद से ऊपर, एक इंसान के नाते सभी को इन योजनाओं का एक जैसा लाभ मिले, और मुझे संतोष है कि मिल रहा है। साथियों, पूज्य संत रविदास जी इसी प्रकार का समाज चाहते थे, जहां जाति और वर्ग के आधार पर समाज में कोई भेद ना हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पार, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके तब तक जाति न जात, जब तक जाति न जात। मतलब जाति केले के पत्तों की तरह है, जहां पत्तों के भीतर पत्ते होते हैं, जातियों में भी ढेर सारी जातियां हैं। ऐसे में जब तक जाति के नाम पर किसी से भेदभाव होगा, तब तक सभी मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे, सामाजिक समरसता संभव नहीं होगी, सामाजिक एकता संभव नहीं होगी, समाज में समता नहीं आएगी। साथियों, गुरु के दिखाए इस रास्ते पर अगर पूरी ईमानदारी के साथ हम चलते, तो आज का भारत जातियों के नाम पर होने वाले अत्याचारों से मुक्त हो चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। भाइयों और बहनों, नया भारत इस स्थिति को बदलने वाला है। हमारे नौजवान साथी जो डिजिटल इंडिया के दौर में, तकनीक के युग में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, हम सभी इस स्थिति को बदलने वाले हैं। हमें उन लोगों के स्वार्थ को पहचानना होगा जो सिर्फ अपना दाना पानी, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जात पात को उभारते रहते हैं।